अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम उस्ताद सदो खान साहब ग्रुप के तमाम सीनियर्स मेम्बरान को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, आज दिन मनाया जा रहा है उस्ताद बख्शी सलामत जी का। उस्ताद बख्शी सलामत कव्वाली की दुनिया का बहुत बड़ा नाम हुआ है। कव्वाली को एक नया अंदाज उस्ताद बख्शी सलामत जी ने दिया है और उस नया अंदाज को जो खूबसूरती दी है, जो उसने अंदाज को निखारा है, वो उस्ताद सदो खान साहब जो मेरे दादाजी हैं। ये जो आप म्यूज़िक सुन रहे थे अभी, तो कान में जो पहली आवाज़ सुनी है, सबसे पहले यही आवाज़ सुनी है और ये म्यूज़िक, ये जो कलाम आप सुन रहे थे इस वक्त, ये कलाम मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी की मानिंद है। मैंने इस कलाम से बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ एथनिक म्यूज़िक नहीं, देसी म्यूज़िक नहीं, या देसी अंदाज, या हमारा जो फोक कल्चर अंदाज है, सिर्फ वही नहीं सीखा, मैंने इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन जो लोग आज देख रहे हैं, तो दादाजी ने आज से 40 साल पहले वो कॉर्ड प्रोग्रेशन देखी है, मेजर माइनर ऑगमेंटेड डिमिनिश फ्रीजियन लीडियन स्केल्स के अंदर उन्होंने अपना जो फोक अंदाज था वो उसको प्रोमिनेंट किया। तो मैं, मेरे लिए ता हशर है, मेरे लिए एक सरमाया है मेरे लिए है कि जदों तक इनू सुना ना, दिन का आगाज़ नहीं होंदा ते रात भी अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँचती। तो अज अबू जी भी नाल ने, तो इन्हों का भी बहुत तवील वक्त गुजरिया है दादा जी के नाल, तो यह कुछ जिंदगी दे यादगार मरहले तुहानू बयान फरमाणगे। हां साहब, सदो कव्वाली ने दुनिया च एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने आवाज़ एक दर्द भरी आवाज़, और उन्होंने हाड़ा खान साहब सलामत अली का हाड़ा और सदो, उन्हें हाड़े के बिच अपनी आवाज़ इस तरह मिक्स करनी कि हाड़ा और सुर जरा मिक्स जो होंगे सी तो दुनिया रो पैंदे सी, और जोड़ा भी उत्थे महफल च बैठा होंगे सी जारो जार रोंदा सी। असी साडा दौर बचपन का दौर से, बचपन तो मैं सुनता आ रहा उन्होंने, और मेरे को एक टेप रिकॉर्ड, स्टूडियो टेप रिकॉर्ड मैं सिल पा के तो उन्होंने मैं रिकॉर्ड करता सी। तो मेरा ये शौक से कि मैं उन्होंने बिल्कुल कोल बैठ के सुनिया, महफल च जाना तो उन्होंने मैं महफल च देखना कि बच्चा बच्चा रस्ता छोड़ो जी, इतने आ रहा पिछे आ रहा मेरे इतने बैठ जा। मैं उन्होंने बिल्कुल इस तरह करीब तो करीब सुनिया उन्होंने, और ऐसी आवाज़ और उन्होंने सुर जोड़े है वो हले तक मेरे कन्ने च रचे है, और वो सुर मैं रिकॉर्ड किए, मैं उन्होंने आडियो कैसेट, फिर मैं कैसटा रहमत ग्रामोफोन तो मैं लभनिया उन्होंने पुरानी कैसटा, मैं आवाज़ा कि जी बख्शी सलामत की कैसेट आई है तो मैंने दियो, फिर मैं चाचे सदो दवाज़ा सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं अपने बेटे नू नौमी इस फील्ड च म्यूजिकल च मैं इन्हें सुना, इहदा एक शौक पैदा होया। ये अज माशाला ये उन्होंने बजुर्गों दी दुआवां, ये अज बच्चा फ्लूट प्लेयर है मेरा, और ये सुर मैं इन्हों बचपन तो मैं वो कैसेट चाचे सदो उन्हों की वो मैं कैसेट सुनाई है, तो उन्होंने आवाज़ा माशाला हले तक ओकेस्ट्रा मैं हले तक संभाल के रखिया है, और मेरे को कैसटा मौजूद है उन्होंने आडियो कैसटा, तो मैं सिला वाली कैसट से मैं रिकॉर्ड किया। हर महफल च मैं जाता सी टेप रिकॉर्ड लै जानी, स्टूडियो टेप मैं रिकॉर्ड करनी, और मैं बैठ के जो साढ़े घर आना उन्होंने, तो मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता, उन्होंने कोल ही बैठा रहा, उन्होंने खिदमत करनी कि चाचा जी साढ़े लायक कोई खिदमत है, बेटा बैठो बस चाचा जी सुनाओ कुछ, फिर उन्होंने अपना पैसे हारमोनीयम तो शुरू हो जाना, मैं वो टेप रिकॉर्ड लाया नहीं तो मैं रिकॉर्ड करना सिलानी कैसेट से, अज मैं उन्होंने वास्ते उन्होंने बच्चों ले और खान साहब ले मैं दुआ कहवा, मौला उन्होंने जन्म नसीब करे, मौला अपनी रहमत करे उन्होंने, और बहुत बहुत शुक्रिया, और सदो खान के ग्रुप में भी इन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ए नाम हमेशा ताशर सलामत रहना है, क्योंकि सुर सच्चा सुर देखिया इन्होंने, तो सच्चा सुर हमेशा कायम रहता है।
ते ऐ आवाज़ा साढ़े कन्नां च भी हमेशा कायम रहनियां। बहुत शुक्रिया मौला पंचतन पाक उस्ताद बख्शी सलामत उस्ताद सद्दो खान साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू।